1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्येक वर्ष काला दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत शुक्रवार को बेनीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने हाथ पर काला पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया और आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी और यातनाएं सहने वाले लोकतंत्र सेनानियों को पुष्प और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो आपातकाल देश भर में लागू किया गया था वह लोकतंत्र की हत्या करने का एक अनूठा कार्य था तथा लोगों के अधिकार का हनन करना कांग्रेसियों की तब से लेकर आज तक की मंशा बनी हुई है। उसी के विरोध में हम लोगों ने काला दिवस के रूप में मनाया है, जिसे आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि आपातकाल में किस तरह से उत्पीड़न किया गया था। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश मंत्री चिरंजीव चौरसिया, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, प्रदेश महामंत्री माननीय चिरंजीव चौरसिया जी भी है, ये लोकतंत्र सेनानी है, हमारे बीच में राजा नाम है, इनका भी मैं हार्दिक से स्वागत करना चाहता हूँ। और गोरखपुर क्षेत्र के केंद्रीय उपाध्यक्ष जिनका ये प्रमुख रूप से ये अभियान पूरे क्षेत्र का देख रहे हैं, प्रदेश केंद्रीय उपाध्यक्ष और ये सीता सिंह जी। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, लोकतंत्र के लिए ये काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अलग हुआ था तंत्र, अलग हुआ था वहां से तंत्र लोक के हाथी हो गया था। आज इस कार्यक्रम हम सबके लोकप्रिय नेता गोरखपुर क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर हमारे लोकतंत्र सेनानी का 25 जून 1975 की मिडनाइट में आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश के ऊपर आपातकाल लागू कर दिया था। सभी नागरिकों के कानून, सभी अधिकार समाप्त कर दिए थे और उस काले कानून के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी इस 25 जून को लोकतंत्र बचाओ के दिवस के रूप में मनाती है। और हम जिन्होंने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जेल में जाकर के यातनाएं सही, ऐसे सभी लोकतंत्र सेनानियों का हम सब स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज उसी के क्रम में गोरखपुर महानगर में ये कार्यक्रम आयोजित है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कार्यक्रम हम लोग फिजिकल, कोरोना के नाते फिजिकल तो कम संख्या है,
लेकिन वर्चुअल माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं और आज भी गोरखपुर महानगर में हमारे वर्चुअल में सैकड़ों लोग वर्चुअल माध्यम से जुड़े हैं और यहाँ फिजिकल कार्यक्रम महानगर के द्वारा जो आयोजित हो रहा है, हमारे जो लोकतंत्र सेनानी हैं उनका सम्मान करते हुए और बार बार इस देश के युवाओं को याद दिलाया जाता है कि किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने की साजिश हुई थी आपातकाल में, और उसी के माध्यम से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं ताकि लोगों के जहन में हमेशा ये लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहा है ये बातें हमेशा याद रहें।